सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग मीम्स। जी हाँ भाई, फिर से मैं जेठालाल पे मीम्स वाला वीडियो लेके चला आया हूँ। आप लोग के बहुत कमेंट आए कि भाई जेठालाल पे फिर से बनाओ, जेठालाल पे फिर से बनाओ। तो मेरे को भी क्या राय नहीं गया, मैं भी जेठालाल पे फिर से बना दिया, क्योंकि भाई जेठालाल का मीम्स बहुत चल रहा है तो और अच्छा भी लगता है देखने में। तो क्यों ना मैं सोचा फिर से बना ही दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आप भी देखो, देखो देखो जेठालाल कैसे भड़का रहा है, देखो सबको। ये सोनू मेरे पास आके पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया, तो मुझे बोलती है कि मुझे आप लोन दे दो, मैं ट्यूशन करके चुकाऊंगी। बोलो। और जेठा ब्रा, ये मेरा नन्ना सा प्यारा सा मासूम होगी, और पता क्या बोलता, और बोलता आप मुझे पैसे दे दो, मैं दिन रात आपके गैराज पे मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अभी गोली पता गैराज पे काम करेगा, बोलो भाई। और मेरा गोली तो कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो दिवाली में बोल दो आती है, बोल दो, बोलो भाई, बोलो, मिठाई नहीं खाएगा। वाह बोया, ये तो अच्छी बात है आती भाई। क्या अच्छी बात है, पगला की लगा बिड़े मास्टर। ये भी देखो देखो पगला की लगा बाड़े बुड़ पर लड्डू नहीं खाएगा तो पतला ना हो जाएगा भाई। ये रियलिटी में बुढ़वा के भाई, बीड़े इज इक्वल टू बुढ़वा की सो का बुढ़वा है। एक अय्यर अय्यर को तो फेमस कर दिया गया भाई बहुत ज़्यादा। एक इंटरव्यू में देख रहा था कि वो छोटे मोटे होते हैं ऐसे भड़का रहा है, देखो सब। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। मंगुताई जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। पढ़ा ये मीम नहीं है, ये हमारे पड़ोसी है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बहुत बड़े व्यापारी है। अलग चमक के ऐसी चोरी दिखा पासा पासा पास। मंगुताई जी आपको माफी, साथ खड़ा हूँ मैं आपके, तो आप देखता हूँ मैं क्या कर लेता हूँ। दोस्त हो तो भाई ऐसा जेठालाल से, जेठालाल और तारक भाई का दोस्त की बहुत अच्छा दिखाया गया भाई इसमें। इसमें मैंने सब चीज़ें मिक्सअप, मतलब आप सब चीज़ इमोशंस, फ्रेंडशिप, मतलब लव, रिलेशनशिप सब देखे थे एक ही चीज़ में। वैष्णव जन तो तेन रे कही है जे, पेड़ पर आई जाने रे। बाबू जी वाह, एक बार और हो जाए। ए बाबू चाक, ये भजन है कोई गजल नहीं है क्या? एक बार और यज्ञू। हाँ जी। ये नरसिंह मेहता का भजन है, इसका मतलब है भगवान के करीब वही इंसान होता है जो दूसरों का दर्द समझता है। क्या बात है भाई जी, अरे चाचू और लोग को समझा रहे हैं, बच्चों लोग पूरे इंटरेस्ट का सुन भी रहे हैं। पावर है भाई उसके, गोकुलधाम सोसाइटी का सब आदमी एक पर एक है, यूनिक है सबके सब। चला निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। ओ भाई साहब, तमीज से बात कीजिए। देखिए, जब आपने मुझे पूछा बोलिए, तो मैंने भी बोला ना कि मुझे टीवी देखना है, और उसके बाद आपने वो भाई साहब को बुलाया और कहा कि इनको टीवी दिखाओ। निकल निकल यहाँ से, बुलाओ पुलिस को।
सॉरी। निकल, चल निकल यहाँ से। जाता जाता। मारूंगा निकल। चंद, चल। अरे सेठी ये कोई तरीका है? ऐसे ही खुले आप दुकान में टीवी देखने आ गया? कल को बोलेगा मेरे पास कपड़े हैं, आपके पास वॉशिंग मशीन है, कपड़े धो लो। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, गया गया गया, चला गया। तो भाई बगा, पहली बार बगा कोई दूसरे में देखो, नहीं तो बगा हमेशा एकदम शांत, सबसे शांत कैरेक्टर इसमें इसलिए गुस्सा गुस्सा हुआ भाई, जेठालाल भी डर गया इसमें। बात तो है, निकलो यहाँ से, बाहर बाहर निकलो। बापू का नाम कैसे भाई, ये तारक मेहता में जो ये सॉन्ग बजते ना, उसे ये सब भाई इफेक्ट्स कहाँ से लाए भाई, मुझे दे दो ना तो मैं अभी शर्ट से वायरल हो जाऊँ। ये इसमें ना अगर कोई काम किया ना अच्छा से तो साउंड इफेक्ट काम किया, साउंड इफेक्ट इसमें इतना अच्छा 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 डाला गया ना, देख के देखने में अच्छा लगता है। और तो नहीं बापू जी, क्या हुआ, क्या हो रहा है आपका, पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? जल्दी आके अंकल को बुला, जल्दी आप बैठे बाबू जी, बैठिए, क्या हो रहा है आपको? मुझे गुस्सा आ रहा है इसमें, उसपे मैंने क्या किया? अरे मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तुमने उसमें खलल पहुंचाई। जी आत्माराम भिडे। हाँ मी आत्माराम भिडे, आप? मैं झूला वाला। कौन झूला वाला? कहिए झूला वाला जी। झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला नहीं, झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला, झूला नहीं, झूला वाला, झूला वाला, झूला, झूला, झूला। अच्छा मतलब झूला फिट करने वाला? हाँ। तो मुझे लगा जी कितने एक्शन, ये आया 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 आया। अभी रोशन साहब सोडी को यहाँ ढूंढ के आ गई तो एक ही रास्ता, हमें यहीं से नीचे जाना पड़ेगा। अभी रोशन साहब सोडी को यहाँ ढूंढ के आ गई तो काका बापू जी आ रहे हो। अरे खुद तो कुत्ते से डरता है और मुझे खुले शेर के सामने डाल दिया बाबू से कहीं का। सॉरी बापू जी, वो मुझे पता नहीं था ना कि आप कुत्ते से डरते, इसलिए गलती हो गई। आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप कुत्ते से डरते हैं। अरे ये क्या कोई खुशी की बात है जो ढिंडोरा पीटते फिरो? सबको जा जा के बोलू नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ, नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ, नमस्ते, नमस्ते चले नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ, नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ, नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ, लास्ट में नमस्ते, नमस्ते चाचा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, और भाई अगर जेठालाल पे और भी आपको मीम्स वाले देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ भाई मीम्स वाले चाहिए। और जेठालाल पे भाई दो बने रहे, एक अंबानी टाइप, बहुत पैसा मेरे पास, तो अगर उस टाइप अगर देखना है आपको तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको देखना है ये मीम्स टाइप का तो आप वो कमेंट करो, मीम्स टाइप बना के डालूँगा। और कुछ नहीं भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक जय श्री राम।